बालू का रेट भी बताऊंगा, कैसे ट्रैक्टर बिक रहा है। हर तरह का ट्रैक्टर होता है, किसी का ढाला 80 CFT का, 85 का होता है, 90 CFT का होता है, ठीक है ना। गिट्टी का रेट भी बताऊंगा दोस्तों, सीमेंट का भी रेट बताऊंगा, छड़ का भी रेट बताऊंगा, ठीक है ना, सभी चीज का रेट बताऊंगा। आज हम फिर आ गए हैं दुकान में दोस्तों, आप लोगों के लिए हर रोज आते हैं मार्केट में। तो वीडियो को शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट आप सबसे करूंगा दोस्तों, क्या करूंगा, तो यहाँ पे जितने भी भाई मेरे वीडियो देख रहे हैं सबके सब समझदार हैं, सब 20 साल प्लस होंगे। बताइए किसी का एज ऐसा है जो वीडियो देख रहा है आपका 20 साल नहीं हुआ होगा, हाँ बताइए, कमेंट करके बताइए तो आपका एज कितना है। और ज्यादातर भैया इसमें 25 साल प्लस, यानी 24, 25, 26, 27, 28 साल के लोग जो है ना ये वीडियो को देख रहे हैं, क्योंकि 25 साल प्लस जिनका एज होगा उनको ज्यादा टेंशन रहता है घर बनाने का, जिनका 20 साल होता है उनको थोड़ा कम टेंशन होता है। क्यों होता है? क्योंकि उनको उतना मतलब नहीं रहता है दोस्तों कि घर बने या ना बने, क्या मतलब है जब 20 साल प्लस होता है, 22 साल, 23 साल, 24 साल, ठीक है ना, तब उनको शादी का प्रॉब्लम, शादी करने की जो टेंशन होता है थोड़ा सा, तब जाकर के सोचता है कि घर बना लेंगे तो शादी करेंगे, है ना दोस्तों। तो ऐसे अभी बहुत कम है, लेकिन यहाँ पे ज्यादातर 25 साल प्लस वाले भैया हैं, तो सबके सब समझदार है। तो लाइक कर दीजिए, अपने भाई को थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए यार, आप सॉरी आप सब मेरे से बड़े हैं, बहुत सी बहुत अच्छा लगता है कि आप सब इतने मेरे इस वीडियो को देखते हैं, प्यार देते हैं, लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट सब चीज करते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और इसीलिए मैं भी वीडियो हर रोज बनाता हूँ दोस्तों। और थोड़ा बहुत मुझे यूट्यूब के माध्यम से कुछ पैसे मिल जाते हैं, तो बस इसीलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, और थोड़ा आपके पास भी घर बैठे जानकारी मिल जाता है बाजार की कि हाँ अभी क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, ठीक है ना। तो अभी देखिए दुकान में ही है, वहाँ पे शॉप ओनर साइड में बैठे, आपको दिखा दूँ, देखिए दिख रहा है ना वहाँ पे शॉप ओनर, उनसे हम सारे जानकारी ले लिए हैं कौन से सरिया का क्या भाव है। पहले आते हैं ना दोस्तों, तो पहले वहाँ पे आधे घंटा 10 मिनट हर एक सामान का समझते हैं कि कौन क्या रेट चल रहा है, इसके बाद हम वीडियो के माध्यम से आप लोगों के बीच शेयर कर देते हैं। खैर छोड़िए, आप ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, थोड़ा बहुत भी बातें कर लें, क्या आप सब का काम धाम कैसा चल रहा है भैया, आप सब कमेंट करके जरूर बताइएगा हमें, है ना। मैं मुझे देखिए दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि आप सब मेरे सामने में और मैं आपसे बात कर रहा हूँ, बस मैं आपको नहीं देखता, मगर मुझे नहीं लगता है कि आप सब हमसे दूर है, मुझे लगता है सारे के सारे मेरे फोन में ही हैं और मुझे देख रहे हैं और मुझे सुन रहे हैं और मुझे शेयर सपोर्ट सब चीज कर रहे हैं, ठीक है ना, बस यही मुझे ऐसा लगता है। खैर आप बातें कर लेते हैं, बालू गिट्टी छोड़ सीमेंट का रेट जो है क्या है। बहुत से भाई कहते हैं कि इतना देर आप लंबा वीडियो बनाते हैं, फालतू की बातें बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, प्लीज सॉरी। थोड़ा बहुत आप सबसे बात करने का इच्छा होता है, ऐसा लगता है कि कुछ कहूँ अपने मन की बातें, तो कह देता हूँ दोस्तों, ठीक है ना। चलिए बालू और गिट्टी की बात करें तो बाहर में रखा है, सरिया और सीमेंट के रेट में ना दोस्तों आज की बात करें तो 100-100 रुपया गिरावट देखने को मिला है। बाल मुकुंद मगध कामधेनु नील कमल हर एक सरिया में, जिसका रेट 6000 बिक रहा था आज 5900 बिक रहा है, जिसका 5900 बिक रहा था आज 5800 बिक रहा है, ठीक है ना। तो बाल मुकुंद 5900 बिक रहा था आज 5800 रुपये क्विंटल बिक रहा है, ठीक है ना। और मगध कामधेनु की बात करें तो ये आपको 5900 रुपये के मिल रहा, ये 6000 रुपये बिक रहा था। नीलकमल सरिया की बात करें तो ये भी आपको 6000 रुपये क्विंटल बिक रहा था, आज 5900 रुपये का एक क्विंटल मिल रहा है, और कहीं पे आपको 6000 भी देखने को मिल सकता है, 100-200 रुपये का अंतर रहता है डिस्टेंस के अनुसार। तो लोकल में दोस्तों अभी कोई भी सरिया अगर लेते हैं कोई भी ब्रांड का ना, तो लोकल में आपको 5500 है किसी किसी सरिया का रेट, जैसे केसर हो गया, रूपाली हो गया, ठीक है ना। इसके बाद बता दूँ आपको बाबा सरिया हो गया, ये सब 55-56 रुपये का भी कुंटल मिल जाता है, ठीक है ना। और बाकी बात अगर लोकल में अदर लेते हैं सरिया, तो आपको 6000 तक अभी जो है ना हर एक ब्रांड लगभग लोकल में मिल जाएगा। ब्रांडेड सरिया की बात करें तो 7500 से लेकर के 8000 के भीतर आपको टाटा, कैप्टन, नीलकमल, श्याम, सूर्या, रेशमी, जिंदल पेंथर, ये सब वैसे पीस के दर से मिलता है दोस्तों, पर अगर वजन की बात करें ना, वजन में डिवाइड कीजिएगा, तो वही आपको 7500 से 7800 रुपये तक के अंदर में
8000 के भीतर जो है मिल जाएगा, 7800-7900 भी हो सकता है, ठीक है ना। ये क्विंटल के दर से आपको ब्रांडेड में लगभग मिल जाएगा 7500-8000, और लोकल में लेते हैं तो 5500-6000 तक, ठीक है ना। तो ये रेट आज का चल रहा है। सीमेंट की बात करें तो सीमेंट आपको 310 रुपये से स्टार्टिंग है, प्लेन में 300 रुपये भी कोई कोई सीमेंट है, और 340-350 तक के भीतर आपको प्लेन में हर एक ब्रांड का मिल जाएगा, हर एक ब्रांड का 50 रुपये के भीतर, और 350 से लेकर के 380 तक कंक्रीट में आपको हर एक ब्रांड का सीमेंट जो है आसानी से मिल जाएगा दोस्तों। तो ये रेट चल रहा है आज का मार्केट में। हमें कमेंट करके जरूर बताइए आपको और भी किस तरह के वीडियो देखना चाहते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको जैसे ही नेक्स्ट वीडियो हम बताएं तो आपके पास वीडियो के माध्यम से नोटिफिकेशन पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।